नमस्कार, मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। 18 पुराणों में से यह प्रथम महापुराण कहा गया है। व्यास जी ने लोकहित के लिए इसे संकलित किया। यह पुराण भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। इसके दो भाग हैं। इस पुराण में सृष्टि की रचना, सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं शिव पार्वती का वर्णन भी किया गया है। मेरा ऐसा मत है, यह कथाएं हमें अनेक सार गर्भित विषयों से अवगत कराती हैं। इस कथा को अपने जन्म स्थान पर करवाने और सुनने का विशेष महत्व है। राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने किस तरह पृथ्वी का दोहन किया? लोमहर्षण जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न्य और अहितकारी है, ऐसे पुरुषों को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। तो सुनो, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमूक कर्म मैंने किया और अमूक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्वों को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोषों के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ में भी जो होंगे, मेरे लिए वह यज्ञ करना चाहिए, ऐसे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब ऋषियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म ना करो। ऋषियों को यह कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवाय तुम्हारा कौन धर्म का स्पष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर है ही कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ, भूलोक तथा द्यूलोक को भी रौंद डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। जब महर्षिगण वेन को मुंह और अहंकार से किसी तरह हटा ना पाए, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, उन्होंने वेन की बाई जंगा का मंथन करना शुरू किया। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषिद्ध, अर्थात बैठ जा। इससे वह निषिद्ध वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने वाला। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गामी हुए।
महात्मा पृथु जैसे सुतपुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र आदि और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराजा ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर दिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वह जब समुद्र की यात्रा करते तब उनका जल स्थिर हो जाता। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गायें कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह यज्ञ किया। उसमें सोमा भीष्म के दिन सूति से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। इसी महायज्ञ में विद्वान माघ का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षि ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और यह महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और माघ ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कामों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म और लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंधी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चली पड़ी है। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध करें। जब प्रजा ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्वित दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोक मेरे ही ऊपर स्थित है, मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। हे भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो, ठीक से उपाय आरंभ करें और सब कार्य सिद्ध होंगे। तुम इस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ ना होगे। महामते, तुम क्रोध को त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल ही जाऊंगी। त्रिय योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराए किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा। अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूँगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो।
क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो, इस समय मेरी पुत्री बन जाओ। तभी मैं इस भयंकर बाण को, जो तुम्हारे वध के लिए उद्वत है, रोक पाऊंगा। पृथ्वी बोली, वीर निस्संदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो, जिसके प्रति स्नेहयुक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब ओर बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उसी समय अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं हुए थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। भूमि का जो जो भाग समतल था, वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था, और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दोहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दोहने वाला, ये सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दोहने का काम किया। तपो में ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने स्वर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दोहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दोहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दोहा। उनके दूध को स्वधा कहा गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दोहने का काम लिया और विश्वरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दोहने वाला बना। उसने माया में दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बने और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने। रजत नाभ यक्ष दोहने वाले बने। अंतर्धान होने वाले विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेंद्रों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना। रजतनाद दोहने वाला बना। उसने कपाल रूपी पात्र में शौणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्रथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दोहने वाले थे और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दोहने वाले बनकर शिलामय पात्र में रत्नों तथा औषधियों को दूध के रूप में दोहा। वृक्षों में पलक्ष अर्थात पाकड़ बछड़ा बने। खिले हुए शाल के वृक्ष ने दोहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान बनी। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली थी। गौरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैठब के मध से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती थी। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए उसे पृथ्वी भी कहा गया। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे वह अन्न की खान समुद्र शालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। कुमार महाराजा पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं है कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय थे। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उनके समक्ष मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य हैं।
जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी हैं। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार सभी पृथ्वी को दोहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े दोहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया।